जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की भर्ती का परिणाम अक्टूबर महीने के अंत तक जारी होना संभावित है। ज़्यादा संभावना थी कि रिजल्ट 28 अक्टूबर को जारी हो सकते हैं। हालांकि रिजल्ट तो जारी नहीं हुआ, परंतु भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिससे स्थिति अब स्पष्ट हो रही। आप यहां पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये 28 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश है ना, वरिष्ठ पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश और समस्त पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, मतलब SP SSP है ना, इनको ये बताया गया है कि आरक्षी भर्ती 2023 के उपरांत निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली DBPST के कार्यवाही संपन्न कराने के विषय, मतलब DBPST संपन्न कराने के लिए नोटिस वायरल किया जा चुका है, मतलब नोटिस जारी किया जा चुका है। तो जब ये नोटिस जारी हो चुका है, मतलब जल्द ही आपकी DBPST हो सकती है। यहाँ पे लिखा है, कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या, यहाँ पर दिया गया है ना, और दिनांक 23/6/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपेक्षा की गई कि आपके जनपद में भार पर उपलब्ध हाइट वेट मशीनों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की से संबंधित सूचना प्रेषित की जाए। देखिए, हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, इससे संबंधित जितने भी मशीन है इनके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। उक्त संदर्भित पत्र में के क्रम में जनपदों को के से प्राप्त सूचना का संकलन उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर पर कराया गया, जिसके अनुसार उपलब्ध हाइट वेट मशीनों की संख्या में काफ़ी मशीनें खराब स्थिति में होना पाया गया। संकलित ब्यूरो की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी मशीनें खराब स्थिति में मिली है ना, अब इसको सही कराना है, मतलब जल्द से जल्द सही हो जाए। यहाँ पे लिखा भी है, अतः अनुरोध है कि आपके जनपद में भार पर उपलब्ध हाइट वेट मशीन जो खराब स्थिति में, उनकी मरम्मत कर एक सप्ताह के अंदर, मतलब एक सप्ताह का यहाँ पे समय दिया गया कि यहाँ पे फिर से सूचना प्रेषित की जाए। तो देखिए, अब ये चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी कि भाई जब ये नोटिस जारी हो चुका है, मतलब हाइट वेट मशीन सही कर लिया जाएगा, इसके बाद क्या होगा कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आपका DBPST होगा है ना। तो अब ये मान सकते हैं कि रिजल्ट भाई बहुत जल्द आने वाला है। अब रिजल्ट अगर दिवाली से पहले आ जाता है, मतलब 29-30 के आसपास आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर ये 10 नवंबर के आसपास 100% जारी हो जाएगा। और जब ये नोटिस जारी हो चुका है, इसका मतलब है कि आपका DBPST नवंबर एंड या फिर दिसंबर के स्टार्ट में हो सकता है, मतलब दिसंबर तक आपको रनिंग का मौका मिलेगा। जो भी कैंडिडेट जिसने अच्छा प्रदर्शन किया, तो दिसंबर के आसपास आपकी रनिंग होने वाली है। जो भी साथी अभी तक रनिंग नहीं कर रहे, जिनका स्कोर बेहतर है ना, 100 के आसपास है, मतलब 100 प्रश्न के आसपास आपका बना है, तो फिर भाई आप अच्छे से रनिंग की तैयारी करते हैं, बहुत जल्द आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और जिन साथियों का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा है, जिनको लगता है कि भाई यहाँ पे चूक हो गई, तो देखिए, आपको पता है कि 40,000 से कुछ अधिक पोस्ट की भर्ती कांस्टेबल की फिर से आएगी है ना। इसके बाद आपने SSC GD का फॉर्म फिल किया हो, जिसमें 39,000 के आसपास पोस्ट है ना, और UPSI के भी फॉर्म आने वाले हैं 5,000 के आसपास है ना, और कई ऐसे वन डे एग्जाम, जैसे आपने रेलवे का फॉर्म फिल किया होगा है ना, रेलवे का फॉर्म फिल किया होगा, तो इन सब एग्ज़ाम की तैयारी करके आप एक सरकारी नौकरी सिक्योर कर सकते हैं। तैयारी कहाँ से करनी, तैयारी करना है आपको ज्ञान सर एजुकेशन, ये ज्ञान सर एजुकेशन आप प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल बहुत ही कम दाम में, मात्र 100 से 200 रुपए के बीच में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज तो दोस्तों इससे भी कम दाम पे मिलेगा है ना। और अगर आप दीपावली ऑफर के तहत किसी कोर्स को लेते हो तो आपको 50% की छूट भी मिल जाएगी। तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।